था और इसमें क्या इसको सफलता मिली? देखिए 12 मई की रात के समय थाना डिबाई के दानपुर गांव में एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने घेर के बाहर जो एक छोटी पगडंडी नुमा पक्की सड़क है उसके किनारे सोए हुए थे और उनको गोली लगी, लेकिन मौके पर कोई अभियुक्त दिखाई नहीं पड़ा। परिवार वाले जग गए और इसके बाद 302 का बनाम अज्ञात एक अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उसके आगे पीछे के तमाम CCTV कैमरों की निगरानी करने और लगातार प्रयास करने के बाद एक गाड़ी ट्रेस हुई जो घटना के समय उस स्थान से गुजरी थी और फिर उसी आधार पर पीछा करते हुए 3 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक एहसान उर्फ जेड़िया है जो नदरही कासगंज जनपद का रहने वाला है, दूसरा सेठ उर्फ ख्वाजिया है, ये रोहिंदा गाँव बुलंदशहर थाना अरनिया का है, तीसरा सोनू है, ये भी रोहिंदा गाँव अरनिया का है। ये वास्तव में पशु चोर और बकरी चोरों का एक गिरोह है जो कार लेके जाते हैं गांव में और बकरियां या छोटे जानवर जो मिलते हैं उन्हें कब्जे में लेकर के गाड़ी में भर लेते हैं और इसी इरादे से दानपुर निवासी महेंद्र के घेर पर बकरी चुराने गए थे। महेंद्र जग गया, जब उसने रिएक्ट किया तो गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और बिना चोरी किए वहाँ से गाड़ी से आगे निकल गए थे। तो फिलहाल इनकी गिरफ्तारी से इस अज्ञात अभियोग का अनावरण हो चुका है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो अभियुक्त सोनू है इसके ऊपर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि थाना अनूप शहर से काफ़ी पहले घोषित हुई थी और वहाँ पर भी एक बार बकरी चोरी के प्रकरण में एक महिला को इसने जो है मार दिया था, जिससे बाद में महिला की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से सोनू की गिरफ्तारी, जो 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी है, और अभियोग का अनावरण पुलिस ने बहुत सफलतापूर्वक किया।